नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आप सभी लोगों का एक बार फिर से लैब असिस्टेंट के इस वीडियो में। दोस्तों, हमने अभी तक के जो वीडियो पढ़े हैं या हमने जो अभी तक की जो क्लास ली है, उन क्लास के अंदर हमने कहीं ना कहीं बायोलॉजी से जुड़े हुए कुछ टॉपिकों के बारे में मैंने बात कर ली है। लेकिन आज हमें कुछ नया करना है और कुछ नया टॉपिक पढ़ना है। बायोलॉजी के अंदर यानी कि जीव विज्ञान में कौन सा टॉपिक ऐसा है जो हमें 100% नंबर दे जाएगा, यानी जिसमें से कम एक या दो प्रश्न की आने की 100% गारंटी है। तो ऐसा प्रश्न आता है आर्थिक महत्व के पादप और जंतु। कौन सा प्रश्न है? आर्थिक महत्व के पादप और जंतु। देखिए दोस्तों, आर्थिक महत्व के पादप और जंतु को आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है ना। अब वीडियो लगातार मिलेंगे आपको, कंटिन्यू मिलेंगे। हमारी वापसी जो हुई है एक अच्छे सूचक के आप लोगों के लिए, और इतने दिनों की जो आपने बेसब्री से इंतज़ार करा होगा या सोचा होगी आपने कि बंदा गायब है, तो अब आप लोगों के लिए एक अच्छी सी बात यह है कि अब रोज़ाना हम कुछ वीडियो, एक दो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। आर्थिक महत्व के पादप और जंतुओं के बारे में हमें बात करनी है। तो आर्थिक महत्व के पादप के जंतु कौन से होंगे? जिनका कहीं ना कहीं हमें धन अर्जन के रूप में लाभ प्राप्त होता है, उन्हें बोलते हैं आर्थिक महत्व के पादप या जंतु। किन्हें बोलेंगे? आर्थिक महत्व के पादप या जंतु जिनका उपयोग कहाँ होता है? धन अर्जन के रूप में किया जाता है। आखिरकार धन अर्जन के रूप में कितने भागों में होता है? तो हम कुछ भागों में बांट देते हैं। एक तो होते हैं खाद्य पदार्थ। क्या होता है बोलो? खाद्य पदार्थ के रूप में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे पादप होते हैं। देखो यहाँ पर मैं केवल प्लांट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? केवल पादप की बात कर रहा हूँ। जंतु की यहाँ पर बात थोड़ी देर बाद में करूँगा या अगले वीडियो में करूँगा। तो यहाँ पर किसकी बात करेंगे अपन? खाद्य की बात करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी वो ट्रिक की बात करूँगा, वो सारे हिंट की बात करूँगा, जिससे अपने को बायोलॉजिकल जो नेम है या बॉटनी का नेम है या जूलॉजी का जो नेम है उस बंदे का, वो अपने को याद रखने होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैथ्स के बच्चे हैं, बायोलॉजी के बच्चे, उनको तो याद नाम याद होगा है ना। जो मैथ्स के बच्चे उनको पूछ लिया जाए कि आम है ना, आम का वैज्ञानिक नाम, तो मंजी फेरी इंडिका, कैसे याद रखेंगे? मंजी फेरी इंडिका। मंजू नाम की एक लड़की है और वो क्या फेर रही है? इंडिका कार के पास में बैठ के क्या कर रही है? वो आम को फेर रही है। पुराने जमाने में आम को ऐसे घुमाते थे, मेवाड़ में शब्द होता फेरना, तो मंजू फेरी इंडिका ऐसे याद रखेंगे। अब मिलता जुलता नाम चाहिए अपने को वहां पर, तो मंजी फेरी इंडिका अपने को शब्द याद हो जाएगा और वो हम क्या कहेंगे? आम का वैज्ञानिक नाम है। इसी प्रकार से हम एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरी, एपिस फ्लोरी और एपिस इन जो चार जातियां हैं मधुमक्खियों की, इनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी होगी? एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरी, एपिस फ्लोरी है ना, और एपिस इंडिका। इंडिका भारतीय जाति है, तो इनके बारे में भी अपने को पढ़ना है। तो याद कैसे किया जाएगा, उनको याद करने का तरीका क्या होगा हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इस चीज के लिए। तो दोस्तों सीधा हम उसी बात पर अटैक करेंगे अगला, कि एक तो होता है खाद्य पदार्थ। अब खाद्य पदार्थ के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी? तो खाद्य पदार्थ के अंदर हमारे पास में अन्न होंगे। कौन से होंगे? एक तो अन्न होगा या अनाज होगा है ना। अनाज के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं, साधारण अनाज होता है और एक होता है मोटा अनाज। साधारण अनाज अनाज को भी हम अगले इसी वीडियो में हम उसको तोड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास में आएंगी दालें, जिससे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो इसमें से प्रश्न बनेगा कि कुछ ऐसे विशेष नाम दे देगा, जैसे कि विग्ना मूंगो है ना। अब सब अपने को लगता है कि मूंग होगा है ना। विग्ना मूंगो क्या होता है? उड़द होता है। क्या होता है? उड़द। कैसे याद रखेंगे विघ्न मूंगों को? तो देखिए विघ्न जो चीज़ डालती है, अपन किसी भी चीज़ के लिए क्या कहते हैं, मतलब हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं विज्ञान की भाषा में, लेकिन समझने की दृष्टि से, अपन याद रखने के लिए हिंट की दृष्टि से कह रहा हूँ कि विघ्न किसमें पड़ता है? काली दाल जो होती है उड़द की, उससे अपने को क्या पड़ता है? विघ्न पड़ता है किसी भी काम में। यूँ समझिए कोई भी चीज़ जादू टोना टोटके में क्या करते हैं? काली दाल यूज़ में लाते हैं। तो क्या पड़ गया अपने पास में? विघ्न पड़ गया। तो नाम क्या हो गया? और ऐसे विघ्न जो पड़ते हैं बहुत ही महंगे पड़ जाते हैं कभी कभी हमारे लिए, तो क्या बोलेंगे? विघ्ना मूंगो। क्या बोलेंगे उसको? विघ्ना मूंगो। कि कौन सी दाल होती है? उड़द की दाल। विघ्ना मूंगो किसका नाम हो गया? उड़द की दाल का क्या नाम हो गया? विघ्ना मूंगो। ये जो कुछ बीच बीच में नाम आ रहे हैं, वैज्ञानिक नाम है ये, और इनको आप अपनी भाषा के हिसाब से अपनी कॉपी के साइड में लिखते जाए। हालांकि मैं सब दालों के बारे में बात करूंगा, उसके बारे में दाल के अतिरिक्त जो मूल हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तेल जिनसे प्राप्त होता है उनके बारे में भी अपन बात करेंगे, किस किस से अपने को क्या प्राप्त होगा? तेल प्राप्त होगा, वो भी अपन इस बारे में बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हो जाएगा? अनाज, महत्वपूर्ण टॉपिक होगा दालें, महत्वपूर्ण टॉपिक होगा यहाँ पर तेल। तेल के जैसे कि एरेकिस हाइपोजिया, मूंगफली।
तो इन चीज़ों के बारे में अपने को याद रखना है। अब प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास में अगर वो प्रश्न के टुकड़े कर देता है कि वो पूछ लेगा गेहूं के अंदर कितने गुणसूत्र हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, या वो गेहूं का बोटनिकल नेम दे दे, है ना, वनस्पतिक नाम दे दे, ट्रिटिकम स्टाइवम, तो अपने को याद होना चाहिए उस समय कि ये नाम इसका है। देखो प्रश्न जो बनते हैं उन प्रश्नों में कई बार क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी अपने को नाम याद हो ना तो उससे अपने को अपना काम हो जाता है, और हमें कोई यहाँ पर लिखना नहीं है, याद रखना। हालांकि जो लोग 12th क्लास में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि आप बड़ी आसानी से इन नाम को याद रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको नाम याद रह जाएंगे। देखिए सबसे पहले मार्केट में एक आदमी आता है जिसका नाम था AF Hill, कौन आ रहा है, AF Hill। AF Hill ने क्या किया कि इन पादपों का, कौन से पादपों का, इन पादपों का क्या किया, उन्होंने वर्गीकरण कर दिया। AF Hill ने उन्होंने कहा कि जो अनाज देते हैं, जो दालें देते हैं, जो रेशे देते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो रेशे देते हैं, और ऐसे होते हैं जो औद्योगिक होते हैं, कैसे होंगे, अगर प्रश्न आता है कि AF Hill ने कितने भागों में बांटा, तो उन्होंने कितने भागों में बांटा, इनको चार भागों के अंदर बांट दिया है, यानी कि खाद्य पदार्थ, है ना, खाद्य पदार्थ के अंदर दालें और दोनों आ जाती हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अखाद्य होते हैं उनके अंदर एक भाग और आएगा, जो कि कुछ कम, जैसे मान लो अपन कंपेरिजन करेंगे कि अखाद्य के अंदर अखाद्य तेल आता है, जैसे अरंडी का तेल है अखाद्य तेल है। अब बात आती है अनाज की, अनाज के अंदर सबसे पहले अपने पास में आता है गेहूं। देखो गेहूं को अपन बोलते हैं ट्रिट्रिकम, ट्रिट्रिकम एस्ट्रेबम, क्या बोलेंगे, ट्रिट्रिकम एस्ट्रेबम, है ना, गेहूं का क्या नाम है, ट्रिट्रिकम एस्ट्रेबम, है ना। हमें पता है कि आस पड़ोस में गेहूं की खेती जहां हो रही है किसान घटते जा रहे हैं, तो ट्री यानी कि पेड़, ऐसे याद रखना, ट्रिट्रिकम पेड़ कम हो रहे हैं, यानी गेहूं की खेती कम हो रही है, कैसे याद रखोगे, ट्रिट्रिकम, है ना, याद रखना खाली ट्रिट्रिकम एस्ट्रेबम। याद क्या रखना है, गेहूं जो होता है इसका उपयोग कहाँ होता है, आटे के रूप में, एक इसका उपयोग होता है सूजी के रूप में, एक इसका उपयोग होता है हमारा मैदे के रूप में, है ना। अच्छा गेहूं जो प्रकार में अगर पूछे जाए तो एक तो गेहूं हमारे पास में होता है चतुष्क, कौन सा होता है, चतुष्क गुणी, चतुष्क गुणी, है ना, गुणी, चतुष्क गुणी। दूसरा हमारे पास में कौन सा होगा, तो षटगुणी होगा, दो प्रकार के होंगे, षटगुणी दो गुणों के अंदर विभक्त होगा। अगर इसके गुणसूत्र की बात की जाए कितने होंगे, 14 जोड़ी, कितने गुणसूत्र हैं इसके अंदर, 14 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, गेहूं की बात कर रहे हैं, और अपने पास में कौन आया, ट्रिट्रिकम एस्ट्रेबम, यानी कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो गया है, दो भागों पर ने बांट दिया है। इसके लिए एक विशेष बात कही जाती है, किसके लिए, गेहूं के लिए, गेहूं के लिए ऐसा कहा जाता है कि पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया, कौन सी पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया का मतलब कौन हो गया, एशिया, है ना, एशिया पुरानी दुनिया है और नई दुनिया कौन है, अमेरिका, नई दुनिया कौन है, अमेरिका। तो एशिया के द्वारा अमेरिका को, पुरानी दुनिया के द्वारा नई दुनिया को दिया हुआ उपहार क्या कहलाता है, दिया हुआ उपहार क्या कहला रहा है, गेहूं कहला रहा है। याद रखने की बात क्या है, अपने पास में को अगर पूछ लिया जाए कि पुरानी दुनिया के द्वारा नई दुनिया को दिया हुआ उपहार कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे गेहूं, क्या बोलेंगे अपन, गेहूं। ये ध्यान देने वाली बात है, गेहूं भारत के अंदर एक उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में, है ना, सर्वाधिक इसकी खेती की जाती है, जबकि दक्षिणी भाग में गेहूं के स्थान पर चावल हो जाएगा, और भोजन के रूप में भी प्राथमिकता किसको दी जाएगी, वहां पर चावल को दी जाएगी, और यहाँ पर उत्तरी भाग के अंदर किसको प्राथमिकता देंगे अपन, गेहूं को प्राथमिकता देंगे, किसको प्राथमिकता दे रहे हैं, गेहूं को प्राथमिकता दे रहे हैं। गेहूं का उपयोग मैंने एक तरफ आपको आटे के रूप में, सूजी के रूप में, मैदे के रूप में कहा, उसी प्रकार से इसका विभिन्न प्रकार के व्यंजन में किया जाता है। लेकिन देखिए इनमें से प्रश्न यूं नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न पूछने की उसकी क्षमता क्या हो सकती है कि AF Hill ने कितने भागों में वर्गीकृत किया, या आर्थिक महत्व के पादपों को वर्गीकरण करने वाली किताब कौन सी थी। तो AF Hill, याद रखना यहाँ पर एक पॉइंट है, AF Hill ने जो किताब जिसमें लिखा था,
तो हमने यहाँ पर एक बात और कर ली, आप लोगों ने देख लिया कि गेहूँ जो है वर्गीकरण की पहले अपने जब बात करी है ना, और किसने करी थी तो हिल के बारे में अपने बात करी, किसमें लिखा इकोनॉमिक बॉटनी में उन्होंने सबसे पहले इसका जिक्र किया। उसके बाद में आती है अपने पास गेहूँ की किस्म कौन सी है, सोनालिका, कल्याण सोना, कौन सा है प्रताप, सरबती सोनारा, रम्मा, और दूसरा आता है सोनारा 64। ये किस्में हैं जिनको अपने को याद रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या पूछ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये पूछेगा कि एक नाम दे देगा, जिसे कि वो नाम देगा सोनारा 64। क्या नाम देगा? सोनारा 64। निम्न में से किस प्रकार की किस्म है, या किस जाति की किस्म है, या किस प्लांट की किस्म है, और नाम में दे देगा वो टिट्रिकम एस्टेम, जिया मेज है ना, ओरेजा सेटेवा, ये कुछ ऐसे वो नाम वो दे देगा। अब उन नाम में से अपने को एक नाम ढूंढना होगा और वो नाम अपने को सही ढूंढना होगा। अच्छा, वो देगा अपने को कि प्रतिरोधी किस्म कौन सी है। दो यहाँ पर प्रतिरोधी किस्म है गेहूं की, गेहूं की दो प्रतिरोधी किस्म है। पहली आती है HD 2135, 2135 HD 2135। दूसरी आती है अपने पास में HD 2189 है ना, 2189। ये दोनों ही अपने को याद रखना है। देखो याद रखना आसान है, HD का जमाना चल रहा है इसलिए अपन HD की बात करते हैं, HD है दोनों ही है ना, सदी 21वीं चल रही है इसलिए अपन 21 की बात करते हैं। और अगर इसी तरह से 35 साल तक अपन ने गेहूं की खपत करते रहे तो बाद में जब 89 में हमें गेहूं नहीं मिलेंगे, याद रह जाएगा हमारे पास में दो प्रतिरोधी किस्में जो है उनका नाम क्या है, 21-35 और 21-89। दो प्रतिरोधी किस्म के साथ में सोना रहा है, कल्याण सोना है, प्रताप, ये प्रताप नहीं है प्रताप है, ध्यान रखना है ना, प्रताप है। दूसरा हमारे पास में कौन आता है, सरावती सोना है, सोनारा है, और फिर आता है हमारे पास में लर्मा, और उसके बाद आएगा सोनारा 64। ये किसके नाम है, ये गेहूं के नाम है जो आपको अच्छे ढंग से याद होने चाहिए। देखो उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक देखा जाए तो वर्तमान में कौन है, USA है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला USA। मैंने आप लोगों को गुणसूत्रों की संख्या थोड़ी देर पहले बताई थी, कितनी थी वो, 14 गुणसूत्र। किस्में थे तो वो थे ट्रिट्रिकम मोनोकोकस, ट्रिट्रिकम एस्टाइवम नहीं था गेहूं का, वो ट्रिट्रिकम मोनोकोकस। प्रश्न पूछेगा निम्न में से किस गेहूं की किस्म में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और वो नाम दे देगा ट्रिट्रिकम मोनोकोकस, ट्रिट्रिकम मोनोकोकस। गेहूं के विषय में जो अपने पास में जानकारी थी, जो मुझे लगता था कि यहाँ से प्रश्न बन के आपके सामने आ सकते हैं, वो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने यहाँ पर, वो महत्वपूर्ण बातें मैंने यहाँ पर रख दी है। अब अपन सीधी बात करेंगे चावल पर, किस पे जाएंगे अपन, चावल। देखिए चावल जो है दक्षिणी भारत में सर्वाधिक पसंद की जाने वाली फसल है ना, और खाद्यान्न की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, तो चावल को हमने को पढ़ लेना। चावल, चावल का वैज्ञानिक नाम होता है ओरेजा, ओ रेजा सेटेवा, कैसे याद रखेंगे, मेवाड़ के लोगों को पता है ओरेजा मतलब और आइजा है ना, सेटेवा मतलब चिपक जा है ना, ओरेजा सेटेवा, ओरेजा सेटेवा हमारा चावल का क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम है। वैसे भी सर्दी चल रही है, ओरेजा सेटेवा, ओरेजा सेटेवा अपने याद रखेंगे। अगर मान लो कोई अच्छे मित्र हैं आपके, जब आप उन्हें अच्छी मित्रता है, या आप यूँ कह सकते हैं कोई आपके भाई हैं, तो आप उनसे क्या करेंगे, अच्छे से गले मिलेंगे, और जब आप प्रयोगशाला सहायक की भर्ती पास कर लेंगे तब भी आप उनसे गले मिलने जाएंगे, तो फिर क्या कहेंगे, ऐसी कंडीशन में जो आपके थोड़े नाराज होंगे वो लोग भी आपको कहेंगे और आ जा यार गले मिल, तो क्या हो जाएगा, ओरेजा, फिर सट के गले मिल, तो क्या हो जाएगा, सेटेवा, ओरेजा सेटेवा। इसलिए चावल का नाम याद कर लेना, ये प्रयोगशाला सहायक में आपको याद कराने में सहायक हो जाएगा। जो लोग 12th के हैं वो भी ध्यान दें, इसका नाम ओरेजा सेटेवा है। ओरेजा सेटेवा नाम याद करने के बाद में अपने को पता है कि चावल श्वेत रंग के छोटे छोटे है ना, जो उनके ज़्यादातर पानी के अंदर बोई जाने वाली है, और सबसे ज़्यादा स्टार्च वाली चीज़ यही है हमारे लिए, और इसका उपयोग हम भोजन के रूप में। अगर देखी जाए इनकी किस्म कौन कौन सी है, तो हमारे पास में किस्म आएगी जया, रत्ना, पंकज, पद्मा, सोना, बासमती 217। कौन कौन सी, एक बार नाम नोट कर लीजिए, जया, रत्ना, पंकज, पद्मा,
बासमती और पद्मा और सोना और बासमती 217 है ना। जया जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी अभिषेक बच्चन के रूप में, है ना। तो जया रत्न पाकर, है ना, जया जी क्या हुआ, जया रत्न, है ना, रत्न पाकर, है ना, क्या हुए, पद्मावती की तरह सोने की बरसात हो गई उन पर, है ना। तो पद्मा, सोना, बासमती, इनके साथ साथ में एक होती है IR-36, एक की यही होती है वापस IR-8, और यही होती है आपके पास में IR-20। तीन किस्में और हैं जिनको याद रखना है। चावल के लिए ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लगभग 90% चावल में होगा। उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो ये भारत होगा, उत्पत्ति भारतीय, या यूं कहूंगा कि चीन में इसकी उत्पत्ति हुई। चीन अपना दावा ठोकता है कि उत्पत्ति चावल की उत्पत्ति चीन में हुई है, और भारत अपना दावा ठोकता है कि चावल की उत्पत्ति भारत में हुई है। ये एक प्रकार की वार्षिक फसल है, एक वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है, और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली फसल है, सबसे ज्यादा उपयोग होता है। एक बार वापस देखेंगे, चावल, और ये जो सेटेवा नाम है इसका, क्या हुआ, जया जी को क्या कृष्ण रत्न प्राप्त हुआ है, क्या फिर पद्मा की तरह वो क्या हो गए, सो गए, ठीक है ना, ध्यान देना, है ना, उनके ऊपर सोने की बरसात हुई है। उसके बाद में अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो भारत और चीन के अंदर है, 90% की बात करें, और कौन कौन सी रत्न इसकी स्पेशल है अपने पास में, या कौन कौन सी इसकी किस्म स्पेशल है, तो IR-36, IR-8 और IR-20 कार्बोहाइड्रेट की 90% मात्रा होती है, और वार्षिक फसल होती है। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए चावल के विषय में। चावल के बाद में हमारे पास में आता है मक्का। देखो मक्का जो होता है उसको बोलते हैं जिया मैच, है ना, क्या बोलते हैं, जिया मैच। आप सब लोगों को पता है मकई की जो रोटी होती है थोड़ी सी तवे के आकार की होती है, जैसा तवा होता है वैसे मकई की रोटी भी उसी आकार की होती है, अपेक्षाकृत गेहूं की रोटी की तुलना में मोटी होती है। अगर मेवाड़ में आप रहे हैं तो आपको ध्यान होगा, राजस्थान में आप रहे हैं तो ये काफी फेमस है, मकई की रोटी और सरसों का साग जिसे अपन कहते हैं। मकई की जो रोटी है, इस रोटी के अंदर आप देखना कुछ स्पेशल ट्रेंड जो लोग होते हैं वही बना पाते हैं। आप में जैसे लोग यहाँ घर की जो नववधु होती है वो क्या कर नहीं पाती है, मकई की रोटी नहीं बना पाती है। तो हमारे राजस्थान में एक शब्द कहा जाता है, माँ जो होती है माँ के लिए एक शब्द यूज किया जाता है जिया, है ना, क्या यूज करते हैं अपन, मेवाड़ में अक्सर शब्द यूज करते हैं जिया, क्या शब्द यूज करते हैं। और हम जो रोटी आजकल के ट्रेंड बन गया, रोटी किस पर बैठ के खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे, डाइनिंग टेबल को हिंदी में बोलते हैं मेज। तो जिया यानी कि माँ रोटी जब कहाँ रखती है, मेज के ऊपर रखती है। तो जिया कौन सी रोटी बनाती है, माँ कौन सी रोटी बनाती है, माँ तो वही बनाती है जो कि मकई की रोटी हो, बाकी तो रोटी कोई भी बना सकता है। तो याद रह जाएगा नाम क्या हो गया, जिया मेज, नाम क्या हो जाएगा इसका, जिया मेज। देखिए जिया मेज का उपयोग जो है वो सर्वाधिक हमारे पास में राजस्थान में है, यानी कि मकई का उपयोग है। और मकई जो है अपना जो इसकी जो किस्म है अगर देखा जाए तो इसका होता है सोना, सोना इसकी एक प्रकार की किस्म है। विजय है, जवाहर है, विजय और जवाहर, विजय और जवाहर इसकी किस्म है। इसके जो बाहरी भाग जो होता है, भुट्टे को अपन सेक कर भी खा सकते हैं, भुट्टे को उबाल करके उसको बॉईल करके खाया जाता है, और भुट्टे को उसके आटे के पीस करके खाने के रूप में भोजन का उपयोग किया जाता है, और बेकरी में भी इसका उपयोग होता है, बेकरी में भी इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आखिरकार इन सब जगह उपयोग होने का रीजन ये है कि ये सुपाच्य होता है, सुपाच्य होता है, भोजन आसानी से पच जाता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनमें कुछ विशिष्ट अमीनो अम्ल और विशिष्ट पदार्थों की कमी होने के कारण लगातार मकई की रोटी खाने से आपको पेलेग्रा रोग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पेलेग्रा जैसा रोग हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह, वो पूछेगा कि निम्न में से कौन सा रोग, अगर लगातार आप एक व्यक्ति लगातार मकई की रोटी खा रहा है तो कौन सा रोग होने की संभावना होगी, तब आप क्या कहेंगे, पेलेग्रा जैसा रोग हो सकता है, कौन सा नाम है उसका, जिया में बेकरी में लेकर के और उसके आटे पीसे ही और उससे लेकर यूज कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक स्रोत है, सुपाच्य होता है, जिया मेज, कौन कौन सी फसलें, सोना, विजय और ज्वार, ये इसकी मुख्य फसलें हैं। देखिए हमने यहाँ पर तीन चीज़ों की बात करी है अभी तक वर्तमान में, गेहूँ, चावल और मक्का, है ना, इन तीन चीज़ों की मैंने यहाँ पर बात कर ली।
तीन चीज़ों के बाद में मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ कि अब जब लौटा ही हूँ तो कुछ धमाका करके ही जाऊँगा। तो यानी कि आपको याद रखना है कि सीधी सीधी ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना, सीधी सीधी बातें हैं, सीधी सीधी से आपको याद रखना है। इनसे बाहर क्वेश्चन पूछना मुझे नहीं लगता है कि उसका मुनाफिस होगा। आप लोग अगर ट्वेल्थ में हैं तब भी इसको पढ़िए, क्योंकि ये प्रश्न आपके अंदर एक अध्याय का भाग है। हाँ, वहाँ पर उन्होंने नाम नहीं दे रखे हैं हालांकि, और अगर क्योंकि इतनी डिटेल में उन्होंने नहीं दे रखा है, खाली थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट नाम दे दिया उसने, या कुछ में तो नाम भी नहीं दे रखा है। लेकिन अगर आप लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसको अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है और अच्छे ढंग से आपके उपयोगी सिद्ध होगा। अगला वीडियो इसी पर होगा, आर्थिक महत्व के पादप पर ही होगा। और अगले जो आएंगे, जो हम मोटे अनाज की बात करेंगे, जो है बाजरा है ना, इन पर हम बात करेंगे। उसके बाद उसी वीडियो में हम तेल के बारे में बात करेंगे, है ना, गन्ने पे बात करेंगे। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि शीतकालीन अवकाश आ गए हैं और शीतकालीन अवकाश के अंदर आप लोगों के लिए खूब सारे वीडियो होंगे, ये तो आप लोग मान के चलिए, है ना। तो आप तैयार रहिए। अगर आपको कहीं पर भी क्षण मात्र ऐसा लगे कि ये चैनल हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसे लाइक मत करना, आप इससे जुड़ने की कोशिश मत करना। लेकिन क्षण मात्र के लिए भी ऐसा मन में आए कि ये मेरे लिए उपयोगी है तो फटाक से वो करना जो आपको करना चाहिए, क्योंकि एक स्मार्टफोन यूज़ करने वाले उपभोक्ता के पास में इतना तो दिमाग होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, कहने से कुछ भी नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।